साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने कई बार एग्जाम में देखा होगा कि इकाई के अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इतने इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं कि देख के कई बार हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है और कई बार क्या करते हैं, हम गलती कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बड़े आसानी से इस इकाई के अंक को विद इन 5 सेकेंड इसे निकाल देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें बिना स्किप किए। चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा मैथ का सिलेबस मैंने कंप्लीट कराया है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई का अंक होता क्या है। जैसे कोई भी डिजिट लिखी है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि कोई भी डिजिट लिखी है, जैसे ये डिजिट लिखी है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, ये इकाई का होता है या यूनिट डिजिट होती है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, इस तरीके से। तो कोई भी नंबर है अगर, तो इकाई का अंक ये हो गया। ठीक है, इतनी बात तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अगर कोई अंक है जैसे 3577+376, अब इसमें हमें बताना है कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना होगा इकाई के अंक पे। जैसे इधर 5, 7, 6, इन्हें ऐड करो, 7 और 6 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 13, 13 का भी इकाई का अंक लेना है और 5 में ऐड करना है, तो 5+3 क्या हो जाएगा 8। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अच्छा, अब इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रही होती फिर क्या करते, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रही है फिर क्या करते, तो 5 और 7 की मल्टीप्लाई करते, कितना आता 35, तो 35 में 5 इकाई का अंक है और 5 की 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 30, तो 0 इकाई का अंक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इतनी तो बेसिक बातें आपको समझ आ रही होंगी सारी। इसके बाद में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे किया जाएगा। तो इनको भी अभी सीक्वेंस से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, इसका बताइए आप इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो इकाई का अंक देखेंगे 3, 8, 7, 6, ऐसे गुणा करेंगे 7×46, इकाई का अंक 2 बचा, 2×8=16। ठीक है, जैसे 7×42, 2 इकाई का अंक हो गया, अब 2×8=16, अब 6 इकाई का अंक हो गया, और 6 और 3 की गुणा करोगे 18, अब 8 इकाई का अंक हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। बिल्कुल बात यहां तक क्लियर, समझ आ गई। मल्टीप्लाई होगा तो आप इस तरीके से कर देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स पावर का क्या करना है। यहाँ पे सब में पावर दी गई है, तो पावर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर यूनिट डिजिट में 0, 1, 5 या 6 दिया हो तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आती है, 0 की पावर कितनी भी हो तो 0 आएगा, 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 आएगा, 5 की पावर कितनी भी हो क्यों उसका 5 आएगा, 6 की भी कितनी भी हो 6 आता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 5 की पावर देखा जाए 1 करोगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे तो 25 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 5 ही है, 5 की पावर 3 करोगे तो 125 आएगा, तब भी यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ 6 का देख लो, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 आया, 6 की पावर 3 क्या हो जाएगा 216। सेम ऐसे 1 का तो पता ही है कि सब में 111 आएगा और 0 में सब में 000 आएगा। तो ये तो डायरेक्ट आपको याद रखनी है। इनके बाद क्या करना है, जो डिजिट बची हैं उनका देखते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जिससे आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पे 705 की पावर 35 है, 106 की पावर 100 है, कुछ भी है, मान लो x की पावर n है, आपको क्या करना है, आपको जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। सिंपल है, 4 से डिवाइड कर दोगे। जैसे इसे 43 को करना है तो 3 रिमाइंडर बचेगा, इसे 63 को करना है तो क्या बचेगा, तो भी 3 रिमाइंडर बचेगा, 65 करना है तो क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो जितना भी रिमाइंडर बचे, जैसे रिमाइंडर मान लो बचा 1, रिमाइंडर अगर 1 बचा तो आपको यूनिट डिजिट होगी जो उसकी पावर 1 कर देनी है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वही आंसर हो जाएगा। देखना, जैसे रिमाइंडर अगर 2 बचा तो यूनिट डिजिट की स्क्वायर कर देंगे, 3 बचा तो क्यूब कर देंगे, ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो क्या करेंगे, यूनिट डिजिट की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर आई। अब बताओ किस किस में यहाँ पे लगाएं, मान लो इसमें लगाओ, यहाँ पे लगा लो 3 की पावर 43 है, ठीक है, तो 3 की पावर 43 है तो क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 3 की 3 से गुणा 9, 27,
तो क्या आ गया, यूनिट डिजिट 7 आ गई। ठीक है, जैसे 7 की पावर 71 है, 71 को 4 से डिवाइड करो, 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 3 बचा, मतलब 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 करोगे तो क्या आएगा, 343 आएगा। तो 3 क्या आ गई, यूनिट डिजिट आ गई। इतना बात आपको समझ आ गया हो तो आगे के सारे क्वेश्चन सब उड़ाते हैं, बहुत आसानी से आप कर देंगे सारे क्वेश्चन से। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। देखो सबसे पहले तो हम करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें क्या है, 25 की पावर कुछ है, तो 5 की पावर मैंने बताया था कितनी भी हो क्या आएगी यूनिट डिजिट, 5 आएगी, तो 5 लिखो। 6 की पावर कितनी भी हो क्या यूनिट डिजिट आएगी, 6 आएगी, लेकिन 3 में ऐसा नहीं है। 3 की पावर यहाँ क्या, 73 की पावर 54 है, तो हमें तो क्या देखना है, पावर कितनी है, 54 पावर है, इसे हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बन जाए 4 और 4 3 जाए तो 12 हो जाएगा, 2 बचा, 2 बचा तो हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर 2, मतलब 3 की पावर 2 कितना आया, 9, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 9। क्लियर, ऐड कर लो 9 और 6 15 और 5 20 20 और 20 में यूनिट डिजिट क्या है, 0। क्लियर, 0 हो गई यूनिट डिजिट, एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, 3 की पावर क्या है, 43, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की पावर 3 27, तो 7 आ गया, मल्टीप्लाई लगाओ। 6 की पावर कितनी भी हो हमें डायरेक्ट 6 लिखना है, 7 की पावर 43 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, तो क्या करना है, यूनिट डिजिट की पावर 3 करना है, तो 7 की पावर 3 करेंगे तो क्या, 343 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो 7 छक्का 42, तो 42 में 2 यूनिट डिजिट और 2 की गुणा कर दी 3 से, तो 6 आ गया यूनिट डिजिट। ठीक है, ये क्वेश्चन फ्रेंड समझ आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 7 की पावर क्या है, 71 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4 और 31 बचा, 4 सत्ते 28, कितना रिमाइंडर बचा, 3, 7 की पावर 3 343, यूनिट डिजिट क्या है, 3। 6 की पावर कितनी भी है यूनिट डिजिट 6, 3 की पावर क्या है, 65 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छक्का 24, 1 बचा, तो 3 की पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट की पावर 1, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 का 8 और 8 3 24 का 4, 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6th क्वेश्चन का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, जैसे 3 की पावर 40 है, अब तो इसे बहुत आराम से उड़ा दोगे, 3 की पावर 40 मतलब रिमाइंडर 0, तो 3 की पावर 4 क्या होगा हमारा आंसर होगा, तो 3 की पावर 4 क्या होगा, 81 होगा और 81 का यूनिट डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से हो गया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, 251 की पावर 98, तो 1 की हमें यूनिट डिजिट देखनी है ना, तो 1 की पावर 98 क्या हो, 198 हो, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आएगा। यहाँ भी 21 है, 1 की पावर 39 है, यहाँ भी 1 आएगा। यहाँ 6 की पावर 100 है, 100 हो या 10,000 हो, 6 है तो क्या है यूनिट डिजिट, 6 आएगी, लेकिन माइनस देखना, यहाँ पे माइनस है तो ये 6 लगेगा। इसके बाद में क्या है, 5 की पावर कितनी भी हो 5 आएगा। इसके बाद माइनस का 16 की पावर 4 है, तो 6 की पावर फिर है, तो माइनस का फिर 6 आएगा। उसके बाद क्या है, 259 है, तो 59 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। बस इनको ऐड कर दो, प्लस प्लस वालों को ऐड कर दो, तो प्लस वाले 9 और 5 14 15 और 16 16 और माइनस क्या हो जाएंगे, 6 6 12, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इतनी बात एकदम आपको क्लियर समझ आ गई होगी। अगर बात क्लियर समझ आ गई है तो डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।